पर की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज के जरिए आप देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते तमिलनाडु की। भारी बारिश की वजह से वहां पर बुरा हाल है। कोठागुडेम जिले की अगर बात करें, वहां पर एक गांव में 30 ग्रामीण फंस गए। हालांकि ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू चलाया गया और इस वक्त लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तेलंगाना में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश की वजह से भद्रादी कोठागुडेम में लोग फंस गए थे। दो हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इधर आप देख सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम कुछ ऐसे राज्य जहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, तमिलनाडु में से एक है। भद्रादी कोठागुडेम में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी जा घुसा है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। एक गाँव जिसमें 30 लोग फंस गए और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अन्य जिलों में भी लगातार चलाया जा रहा है, ना सिर्फ एक जिले की बल्कि अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। ब्रिटेन के लीड्स शहर में भड़का दंगा, दंगाइयों ने गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस की गाड़ी पर भी किया हमला। हालत को संभालने के लिए बड़ी संख्या में की गई पुलिस की तैनाती। ब्रिटेन के लीड्स में भारी बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, बस में आग लगाते नजर आए प्रदर्शनकारी। ब्रिटेन में भड़की हिंसा पर ब्रिटेन की गृह सचिव येवेट कूपर का बयान, कहा घटना बेहद चौंकाने वाली है, मौजूदा हालात पर हमारी नजर है। इजराइल के तेल अवीव में हुआ तेज धमाका, मौके पर मची अफरा तफरी, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तेल अवीव में ड्रोन हमला, अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास हुआ हमला, हमले में 7 लोग घायल है, 1 की मौत हुई है। हुती विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। ट्रेन हादसे के बाद राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, ड्रोन तक की तस्वीरें आई सामने। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने के दौरान हादसे का शिकार हुई थी ट्रेन। गोंडा रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा, मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। गोंडा ट्रेन हादसे की होगी हाई लेवल जांच, रेल मंत्रालय ने दिए सीआरएस जांच के आदेश, लोको पायलट ने सुनी थी धमाके की आवाज। गोंडा ट्रेन हादसे पर यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान, कहा गंभीर घायलों के जिला अस्पताल में इलाज की व्यवस्था की गई है, हमारी प्राथमिकता यूपी के सभी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिले। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने गोंडा ट्रेन हादसे पर कहा, लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानी जा रही हैं, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उत्तराखंड के रुड़की में रफ्तार का कहर, 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर, ट्रक की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत हुई, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देहरादून पुलिस और एसडीआरएफ फिर बनी मददगार, रायवाला में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे व्यक्ति का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज टूटा, जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड, कई जगहों पर पेड़ भी उखड़े, रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। मुंबई में एक जिम में आपसी विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे शख्स पर जानलेवा हमला किया, हमले का पूरा ही मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़ी बाइक बनी आग का गोला, अज्ञात कारणों के चलते बाइक में लगी आग। यूपी के सीतापुर में मोबाइल की दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से दुकान पूरी तरह से जलकर राख हुई, लाखों का नुकसान हुआ। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, रांची से मेडिकल छात्रा को हिरासत में लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई को पटना से मिली थी सुरभि कुमारी की जानकारी, आरोपी छात्रा सुरभि ने सॉल्वर गैंग से जुड़े होने की बात कबूली। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगी नीट पीजी परीक्षा, देश के 185 केंद्रों पर होगी परीक्षा। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को आदेश, सभी छात्रों के नंबर ऑनलाइन हो जारी, छात्रों की पहचान रखी जाए गोपनीय, शनिवार 12 बजे तक नतीजे सार्वजनिक हो। मॉनसून सत्र में मोदी सरकार लानी जा रही है 6 नए विधेयक, आपदा प्रबंधन कानून संशोधन विधेयक सहित 6 नए बिल होंगे पेश। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दिए राजनीति में आने के संकेत, एक्स पर किया पोस्ट, लिखा बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जल्द मैदान में उतरूंगी, मैं लड़ाई जरूर लड़ूंगी।
दिल्ली में केदारनाथ मंदिर पर तकरार के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, चार धाम के नाम से नहीं बनेगा मंदिर और ट्रस्ट, कैबिनेट की बैठक में फैसले को मिली मंजूरी। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह, कहा हम लोगों ने अभाव में काम किया, लड़ाई अभी लंबी है, हमें आगे के लिए काम करना है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार है। दिल्ली में पीएम मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की है। एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। भारत में जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में एक ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से एक ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं। भारत में ड्रग्स कंट्रोल को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक, नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा एक ग्राम भी ड्रग्स भारत में नहीं आने देंगे। और बाल विवाह रोकने के लिए असम की हेमंता सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को किया रद्द, सीएम हेमंता बोले मानसून सत्र में लाएंगे कानून। अगर खामखा असम के सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। अब लाने दीजिए वो क्या लाते हैं, हम उसको देखेंगे, फिर अगर वो दरकारी नहीं होगा हम उसके विरोध करेंगे। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द करने के फैसले पर AIUDF ने जताया एतराज, रफीकुल इस्लाम ने कहा कि सीएम हेमंता मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो असेंबली में इस बिल का विरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी सरकार पर साधा निशाना, कहा टीएमसी बंगाल को अलग देश बनाने की कोशिश कर रही है, टीएमसी के डीएनए में भारत वर्ष का विरोध करना है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, झूठ का सहारा लेकर काम करते हैं। कांवड़ रूट पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश पर योगी सरकार में, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा हिंदू देवी देवताओं के नाम से नहीं चलेगी नॉनवेज की दुकान। मुजफ्फरनगर में दुकानों पर नेम प्लेट पर विवाद के बीच मुख्तार अब्बास नकवी का पोस्ट, अति उत्साही अधिकारियों की हड़बड़ी में गड़बड़ी, आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अप्रशिष्टता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। असम सरकार का सीएनजी पर बड़ा फैसला, असम में सीएनजी पर सिर्फ 5% वैट लगेगा, सीएनजी पर वैट 14.5% से घटाकर 5% किया गया है, 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी, नहीं करें। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल बैठक, सभी जिलों के डीएम और एसएसपी एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम